बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शिया टुडे के साथ मैं हूं अली। आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस गवर्नमेंट अदारों के लिए, बिलखसूस पैमरा के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, ये है एक ड्रामा सीरियल फिरकाए इश्क। ये फिरकाए इश्क जो है ना, ये एक ड्रामा बनाया गया है और इसका आई थिंक के पहली किस्त जो है वो भी लोग देख चुके हैं। तो इस जो ड्रामे के अगेंस्ट मुख्तलिफ फोरम पर आवाज़ उठाई जा चुकी है, लोगों ने एजिटेट भी किया है, लोगों ने बहुत से इसको जगह पर रिपोर्ट भी किया है बिलखसूस पैमरा को। तो इस ड्रामे का जो है वो असल इशू है क्या, वो आप पहले ये आप साथ साथ इसका वो देख रहे होंगे कि जो ड्रामे का एक टीज़र था जब स्टार्टिंग में भी आना था, वो भी आप देख रहे हैं। इस ड्रामे का की जो बुनियाद है ना, वो बेसिकली एक सेक्ट के लड़के और एक सेक्ट की लड़की के दरमियान जो मोहब्बत की कहानी है वो दिखाई गई है। और इसमें जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि एक लड़का किस तरह जलूस अज़ा, यानी कि मुहर्रमुल हराम के जलूस में आकर सबील पीने के बहाने वो लड़की से मिलता है, और वहाँ पर फिर वो जो क्या कहते हैं, जैसे मैं सिंपली ये कह लूँ कि जुलूस को उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह सुमा नऊज़ुबिल्लाह एक डेट पॉइंट की तरह जो है वो बताया गया है कि जो वो रूप धार के आता है उसका मकसद जुलूस में नहीं होता, ना जुलजना से, ना आलम से, ना आज़ादारी से, ना मकसद जुलूस से कोई ताल्लुक है। वो आया है सिर्फ़ एक लड़की के लिए, और लड़की फिर वो पानी पीती है सबील में, वहाँ पर वो गुफ्तगू करते हैं और फिर कहानी का अगला जो एक रुख है वो शुरू हो जाता है। ये चीज़ इंतहाई तकलीफ दे है कि इस वो बड़े सिंपल जगह ये क्या बात हुई, जो उन्होंने वो कहानी है कि इस तरह ही हुआ होगा, मामला ये इस तरह हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये एक मामला ये अलग है। मामला ये है कि जुलूस अज़ा जिनको हम जो असाधारी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिस जुलूस जो है, तो अब आप ये बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि इन जुलूसों में इस तरह के काम होते हैं, और लड़के और वो जो लड़कियां हैं जो आते हैं वो जुलूसों में यही काम करते हैं और चले जाते हैं। ये हमारे मकसद आज़ादारी पर बहुत बड़ा इन्होंने एक इल्ज़ाम, एक साजिश, एक ऐसी चीज़ करने की कोशिश की है कि जैसे बदनाम किया जाए इस मामलात को, किसी और तरफ लेके जाया जाए कि ये आज़ादारी के जुलूस नहीं, इनमें ये काम होते हैं, ये काम होते हैं और इस तरह के काम होते हैं, जबकि ये मिशन आज़ादारी है। और ये मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ग़म में ये एहतजाज होते हैं, ये जुलूस निकलते हैं, और इनमें इन तरह की चीज़ों की गुंजाइश होती ही नहीं। हम अपनी माओ बहनों बेटियों को जब ले कर जुलूस में, जो मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के थोड़ा अगेंस्ट हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होते हैं तो वो जहन में ये लेके चलते हैं कि हम अपनी माएँ बहनें बेटियां उन माओ बहनों बेटियों की याद में बाज़ारों में साथ बाबरदा लेके आते हैं, और मौला के हजूर ये अपना पुरसा पेश करते हैं, हम मौला को, हमारी माएँ बहनें बेटियां मौला इमाम मज़लूम करबला की माओ बहनों बेटियों को पुरसा पेश करती हैं। वो एक लेकिन इस चीज़ को एक नया रंग देने की कोशिश की गई है, जिसके अगेंस्ट मैं शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ कि इन्होंने हमारे जुलूसों को इस्तेमाल किया और जो बुनियाद फराहम की कि ये जो जुलूस हैं इनमें ये काम होते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं। और मैं अपने चैनल के तवसत से पैमरा से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ड्रामे को फिल फौर बैन किया जाए, जिसमें मज़हबी मुनाफरत फैलाने का जो एक ज़रिया बने, जिसमें एक फ़िरके पर अटैक किया जाए कि उनके इन जुलूसों में इस तरह के काम होते हैं। मैं शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ड्रामे को फिल फौर बंद किया जाए जो कि मजहबी दिल आज़ारी का बायस बन रहा है। और इस ड्रामे की बुनियाद कुछ और भी बन सकती थी। अब मैं अगर बात करूँगा तो फिर वो कहेंगे ये फ़िरका परस्ती की तरफ चल पड़े और उन्होंने फ़िरकों की बात करना शुरू कर दी कि जी इससे नहीं इससे, वरना कौन फिर रहने दें। मैं सिंपली ये कहूँगा कि इस ड्रामे को बंद किया जाए, और इसके अगेंस्ट मैं पैमरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस मुतालबे को हम्बली सुना जाए और देखा जाए कि क्या हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसी है कि नहीं है। इन चीज़ों से
हमारे मजहब हक्का और हमारी आज़ादारी पर बहुत बड़ी जो है वो साजिश या जिसे कह लें कि धब्बा लगाने की एक कोशिश है, जो कि इंशाल्लाह आज़ादारी ये मज़लूम करबला रहे मुसलमान के सदक़े में ही नाकाम होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।